बेटा अपन एग्जांपल नंबर 4 से देख रहे हैं, प्लीज देखिएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोई मुझे डिक्टेट कर पाएगा प्लीज। सर मेरा तो पहले में डाउट है सर, 3 प्लस वाई अपॉन 1 3 प्लस वाई नहीं हो सकता सर, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर, की पावर क्या, होल की पावर 2 प्लस 3 है। हाँ बस ये है, अपने को एफ डैश 0 निकालना है। अब गाइस प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज ध्यान देंगे। मैंने इसको अभी के लिए y मान लिया है, प्लीज शांत सुधीर। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स करने के जगह पे पहले मेरे को लॉग लेना पड़ रहा है यहाँ पे, तो लॉग y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एक्स टाइम्स लॉग, ये पूरा हो रहा है। अब उसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा एक ही बारी में, बेटा से कुछ पावर वावर में रहा अजीब सा, तो लॉग ले लेना ठीक है ना। देखो देखो ओई 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 अभी देखो, अब ना मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, तो 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आयुषी शांत चल ठीक, कट भी होगा गाइस, कट भी होगा कोई बात नहीं, एक बार देख लो प्लीज, अब कर ही रहे अपन लोग। तो अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चा लोग, ठीक है, तो पहले तो यही 2 प्लस 3 एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा है 1 ओवर 3 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 ही हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बेटा मेरा 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये हो चुका है बच्चा लोग, प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इन टू इसका डिफ्रेंसिएशन, उसकी वैल्यू मेरी 3 आ रही है नहीं, यहाँ तक है ठीक है बेटा, लीव इट फॉरगेट इट। अब देखो मैं को एफ डैश वाई चाहिए, तो वाई को मान ले जाता हूँ मैं, तो डी वाई ओवर कुछ भी नहीं किया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वाई इन टू 2 प्लस 3 एक्स 1 ओवर 3 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, याद है कोई इशू, y की जगह पे y की वैल्यू डाल दिया, y की रहती 3 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3 एक्स। अब देखो लाइफ चल रही थी, बस इसने अपने को क्या था एफ डैश जीरो मांगा था, मतलब अब मुझे ये तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है मेरी, अब मुझे हर एक्स की जगह पे सिंपली जीरो डालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए 3 ओवर 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 ही हो रहा है वो इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 3 टाइम्स लॉग 3 प्लस 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0। अब आई एम नॉट श्योर आपको मैंने बताया था क्या, लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो दिस इज बिकमिंग जीरो, ठीक है, 9 टाइम्स 2 इंटू माइनस 2 बाई 3 प्लस 3 लॉग 3, दिस बिकमिंग 9 टाइम्स माइनस 4 बाई 3 प्लस 3 लॉग 3। अब तुमको और इसको खोल रहे हो अगर तो जाएगा माइनस 12 प्लस 27 लॉग 3, ये मेरा एफ डैश जीरो की वैल्यू आई है। हाँ वो ठीक है, स्टेप्स तूने तूने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लिया हो शायद से यहाँ पे, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाया हो दो बार, वो तेरे पे ध्रुव ने शायद वो किया था, सॉरी बोल बेटा, 2/3 माइनस, तो बेटा तूने ये तूने डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे लगाया बच्चा और फिर खोला, मैंने अंदर का पहले सॉल्व कर लिया और फिर खोल दिया उसको। हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ बच्चा हूँ इसके लिए, ठीक है गाइस, कोई इशू है इसमें किसी को, कौन सा वाला बच्चा, ये वाला प्लस 3 ना, हाँ देख मेरा क्या हो रहा था, ये ब्रैकेट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये, तो वो मेरे को यहाँ पे जगह 3 मिलनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था उसको। गाइस दिस वाज एग्जांपल नंबर 4, गाइस कमिंग ओवर टू एग्जांपल नंबर 5 नाउ, कैन समवन प्लीज डिक्टेट मी, बस इतना ही है आपको, dy by dx निकालना है,
मैं दोनों जगह पहले लॉग ले, वो ठीक है, वो निकालना है ना कि, तो देखो मैं लॉग लिया दोनों जगह, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस y टाइम्स log e विच इज बेसिकली इक्वल टू 1, आपको ये पता है, सॉरी क्या पूछा, हाँ तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसे मैं लिखा नहीं बच्चा उस चीज़ को, तो वो उतार दिया ना मैंने नीचे, ठीक है। अब देखिए मैं ये y को उधर ले जा रहा हूँ, यहाँ से y कॉमन निकाला, log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू हो जाती है x ओवर log x प्लस 1। अब मैं dy बाई डी एक्स निकाला हूँ, इसके सिवाय भी कर तो भी आंसर आता था आपका। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस मेरे को क्वेश्चन 2 लगाना पड़ेगा, log x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 0 रहता हूँ, द होल ओवर log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चा लोग ये आंसर बच रहा है मेरा log x प्लस 1 माइनस 1 ओवर log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर हो गया है log x ओवर log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप यही पूछा गया था, बताइए मुझे, ठीक है। अब सिक्स्थ एग्जांपल अपन लोग देख रहे हैं, एंड गाइस देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ जो बच्चे लोग होमवर्क अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सिटिंग बैक एंड एन्जॉइंग इट लाइक अ नेटफ्लिक्स मूवी will not fetch you anything. You will have to go back home. You will have to solve these. नहीं तो तुम्हें नहीं जमेगा। अगर तुमको लग रहा है अरे हाँ मुझे देख के सबको समझ में आ रहा है, देख के तुमको इसलिए समझ में आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तुमसे सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, और एग्जाम में भी नहीं होगा बच्चा, दिस इज नॉट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कि तुम आखिरी मोमेंट पर करोगे तो हो जाएगा, कैलकुलेशन ही तो है बेटा, ये रुला देगा तुम लोगों को। सिक्स वाला देखते हैं बेटा, एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स दिया हुआ है, और डी वाई ओवर डी एक्स पूछा है ना, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, हमने dy ओवर dx निकालने के लिए पहले log लिया, तो y टाइम्स log x इज इक्वल टू x टाइम्स log y। अब अपन ने डेरिवेटिव लगाया प्रोडक्ट रूल के लिए, यस, तो y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x इंटू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y dy बाय dx प्लस log y। अब देखो ये पास में लेके आया मैंने, और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाला, तो लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई बचा मेरा, इज इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस वाई ओवर एक्स, दोनों जगह पहले एलसीएम ले लिया मैंने, तो जगह हाँ बच्चा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स द होल ओवर वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई द होल ओवर एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स एक्स लॉग वाई माइनस वाई ओवर एक्स टाइम्स वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। आई होप यही पूछा गया है, समझा गया ये क्या हुआ है। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 6। बेटा जापान का क्या हुआ वैसे, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बच्चा लोग प्लीज, आप लोग x माइनस, एक बार कोई मुझे डिक्टेट कर पाएगा कि प्लीज़ को, एनीवन जिसकी बुक ओपन है वो मुझे बता दे, x माइनस y की पावर x अपॉन dx माइनस y, x अपॉन, हाँ सर ऊपर में है, अच्छा x अपॉन e की पावर 1 ओवर, के ऊपर नहीं है बच्चा, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x अपॉन x माइनस वाई हो, x अपॉन, अच्छा x अपॉन x माइनस वाई, हाँ अगर इक्वल टू a दिया हुआ है मुझे तो प्रूव दैट में क्या है मेरे को y डी वाई अपॉन डी एक्स टू बाय टू वाई, ठीक है। तो बेसिकली पहले डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है अपने को, तो लॉग तो ले लिया बेटा मैंने, ठीक है, तो जाएगा log of x माइनस वाई इंटू e की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने प्रॉपर्टी अगर लगाई है तो log of x माइनस वाई प्लस log of ये e की पावर जो भी जो भी जो भी, तो वो ये बन जाएगा log e, यहाँ पे लग जाएगा log e की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू log of a, ठीक है। अब मैंने डेरिवेटिव निकालना शुरू किया, इसका डेरिवेटिव जाएगा 1 ओवर x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, कौन सी बच्चा
नहीं बेटा नहीं बेटा, ये बेटा मल्टीप्लाइड था तो प्लस ही तो होना चाहिए, सॉरी हाँ सॉरी ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कहते x इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल ओवर x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग a, लॉग a a कांस्टेंट था, लॉग a कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आपका जीरो बन जाएगा ठीक है। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं x माइनस y का होल स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ, तो बेसिकली बन रहा है वो 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, बेटा मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक x माइनस वाई था ही तो एक और x माइनस वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, देख वो लिखा था क्या मेरा 1 ओवर x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ था, और ये जो कुछ भी था अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो ये दोनों इसके लिए एलसीएम लेके मैं वो कर रहा हूँ, तो नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, हाँ तो तूने इसे वैसे किया ना, ध्यान देगा, चलो प्लीज़ 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 ध्यान देगा, अब ये x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स ये इक्वल टू जीरो, ओए 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 शांत शांत, अब देखो ये यहाँ पर चल जाएगा बच्चा तो वो तो जीरो ही बन जाएगा, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ इनके, तो x माइनस x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस y प्लस y टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x माइनस y माइनस x प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कट गया बच्चा लोग मेरा, ये और ये भी कट गया, कोई नहीं बेटा समझा यहाँ तक जी, और इससे पापा से कुछ नहीं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, ये देख ये यहाँ चले गया है मेरा तो जीरो हो गया, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया तो x माइनस x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस y ये इंटू ये फिर ये इंटू ये, मैं वैसा कर रहा था सीक्वेंस, प्लस y टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x माइनस y माइनस x प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये और ये कट गया मेरा, ये और ये कट गया, और कुछ कट रहा है क्या भाई, नहीं तो x माइनस y माइनस वाई यानी माइनस टू वाई प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो चल रहा था, मुझे क्या पूछा था प्रूफ करने के लिए, हाँ बस ये उधर भेज दो इक्वल टू टू वाई ख़त्म, समझा सिंपल है क्वेश्चन बेटा, सिर्फ यू विल हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, जाना पड़ेगा उसकी जड़ में, इधर एग्जाम्पल नंबर 7, चलो बहुत बढ़िया, ज़्यादा बच्चे नहीं अभी, 8 देखिए बच्चा लोग, कोई डिक्टेट कर पाएगा मुझे प्लीज, अपने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों जगह लॉग लिया बेटा मैंने, तो पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइम्स लॉग एक्स प्लस वाई हुआ है कांस्टेंट से बचाओ, ठीक है अब बेटा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पी ओवर एक्स, इस जगह क्यू ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइम्स 1 ओवर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है अब मैंने RHS को पहले तो ओपन कर रहा हूँ, p प्लस क्यू टाइम्स वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है ना, तो 1 ओवर x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अब देखिए ये हो जाएगा मेरा p बाय एक्स प्लस क्यू बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स
is equals to p plus p times dy over dx plus q plus q times dy over dx the whole over x plus y. ठीक है, ये होल ओवर x प्लस वाई को यहाँ ले जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में. तो p बाय x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस p डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू प्लस क्यू डी वाई ओवर डी एक्स. अब देखो ये डिस्ट्रीटिव लगाए तो p प्लस पी वाई ओवर x प्लस एक्स क्यू बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर डी एक्स. पी पी कट गया, पी डी वाई ओवर डी एक्स, पी डी वाई ओवर डी एक्स कट गया, क्यू डी वाई ओवर डी एक्स, क्यू डी वाई ओवर डी एक्स कट गया है मेरा. तो बेसिकली क्या बचा है वो लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यू अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. नहीं तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मेरी कुछ तो भी अजीब सी आ रही है, पी प्लस क्यू अपॉन एक्स क्यू. आई डोंट थिंक ये आंसर था. हाँ वो कुछ छूटा है क्या, वो कुछ छूटा है अपना, रुको एक सेकंड. क्या देखते हैं एक बार आप लोग भी देखो प्लीज, क्योंकि मेरे को खुद को गलती ढूंढना ना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है मेरे. एक सेकंड पहले मेरे को खुद को ढूंढने देते, गलती से अगर मेरे को ही मिल जाएगा तो उससे बेटर चीज मेरे लिए कुछ नहीं रहेगी. और हाँ अच्छा ये वाला हाँ कुछ गलत कटा है मेरे से. यस देखो ये हो रहा है पी प्लस पी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अब देखो पी और पी कट गया मेरा क्यू डी वाई ओवर डी एक्स क्यू डी वाई ओवर डी एक्स कट गया. हाँ कुछ गलत काटा था मैंने. अब देखो ये पी वाई ओवर नहीं जाओ ये और ये, इसमें से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन निकाला तो एक्स क्यू अपॉन वाई माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी वाई अपॉन एक्स. अब मैंने एलसीएम लिया बच्चा लोग, एक्स क्यू माइनस पी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी वाई अपॉन एक्स. ये और ये कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स उससे आ गई. खत्म. समझाई जी क्या हुई है, दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 8 गाइस. अब ये सिमिलर पैटर्न जो अपन लोगों ने पहले देखा था याद है आपको, इनफाइनाइट सीरीज आई थी तो कुछ नहीं, ये पूरे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर वाई करके लिख सकता हूँ. ठीक है ना, तो मेरा कहना था वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर वाई, दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स लॉग रूट एक्स. ठीक है, तो वो बेसिकली 1/2 भी आ जाएगा वो लॉग एक्स. ठीक है, अब डेरिवेटिव निकाला बच्चा लोग मैंने इसका, तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स. ब्रैकेट्स ओपन किया बच्चा लोग मैंने, तो डी वाई ओवर 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर 2x प्लस 1/2 टाइम्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स
डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकला मेरा, वन बाय वाई माइनस वन बाई टू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन टू वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन टू एक्स, टू और टू कट गया मेरा, अजीब सा आंसर आया, ऐसे कुछ आंसर है यहाँ पे, हाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू टू माइनस वाई लॉग एक्स, यही है क्या आंसर, वो टू एक्स माइनस एक्स वाई लॉग एक्स भर ही दिया। फुद्दू क्वेश्चन थे बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको पहले दो तीन में तुमको मेहनत लगेगी, बाद में तुमको समझेगा ही नहीं कर क्या रहे हैं हम लोग, सिर्फ मजदूरियाँ चलने वाली अपनी लाइफ की, सबके लाइफ की, ध्यान दो। एप्लीकेशन से बहुत आसान है, बट एप्लीकेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। क्या अच्छा गाइस, आंसर में एक्स नहीं है, एक मिनट रुको, सही में यार गाइस एक बार गलती देखो यार, क्या गलती हुई है, आंसर में गलती है, एक्स नहीं होना चाहिए था, एक बार जो है गलती ढूंढने से इजियर रहेगा, वापस कर लूँ मैं, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रूट एक्स की पावर वाई हो जाएगा, अरे सर लेकिन एक्स ट्रांसपोर्ट है ना, एक्स डी वाई बाय डी एक्स है ना, ये पापी सही तो था, पापी मेरे को करके दिखा रहा हूँ भले ही मैं, ये देखो अभी लॉग लिया दोनों जगह पे मैंने, ध्यान दो, लॉग वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स लॉग रूट एक्स रहेगा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई टू, वन बाई टू उतार दिया बेटा अगर मैंने, सॉरी तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो अब दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला मैंने, वन बाय वाई वन बाई टू कॉमन रखा मैंने, बाहर निकल देने, वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा, खत्म। अब ओपन करेगा आंसर आएगा, करके दिखाऊं, देख वन बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज वाई ओवर टू एक्स माइनस लॉग एक्स ओवर टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर वाई माइनस लॉग एक्स ओवर टू इज इक्वल टू वाई ओवर टू एक्स एल सी, ये यहाँ पे क्या बच्चा, और एल सी एम लिया मैंने, एल सी एम बोला कॉमन लिया मैंने, सॉरी, तो डी वाई ओवर डी एक्स टू माइनस वाई लॉग एक्स ओवर टू वाई इज इक्वल टू वाई ओवर टू एक्स, ये टू और टू कट गया मेरा, अब ये एक्स को उधर ले गया मैं क्योंकि क्वेश्चन में वैसा मांगा था, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन टू माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। दिस वॉज गाइज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। अभी 10th देखिए बच्चा लोग, ये सब कुछ x की पावर में ही है क्या? नहीं, ये यहीं तक के पावर है, फिर नीचे प्लस है और फिर ये की पावर वो है, ठीक है ना, कोई मुझे डिक्टेट करो बेटा प्लीज। हाँ रहता कुछ भाई, उसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है, बोल क्या एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस की पावर, बस खत्म। ये क्या दिया हुआ, इक्वल्स टू, अच्छा डिफ्रेंशिएट ही निकालना है, करना है ना जी, तो इसको अच्छा मैंने वाई मान लिया है, ठीक है। अब देखो लॉग लिया मैंने, लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो जाए, एक्स हो जाए, एक्स हो जाए, क्या एक्स हो जाए, एक बार देख लो पहले वापस से उसको, वेट 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 वेट, एक सन हो जाए, एक सन हो जाए, गाइस शांत बेटा प्लीज शांत, वो नीचे ही है ना पक्का से प्लस, हाँ
इन लोगों ने खटाखट खटाखट क्या किया है समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस सुनो, इसको मैं दो अलग अलग टर्म्स मान के कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है ना। इसको अभी के लिए मैंने कुछ p मान लिया है, y मान लो इसको, ठीक है। x x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। हाँ u ले लिया, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 log x 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर x, ठीक है। ये नहीं गलत हुआ, तो ये ब्रैकेट बना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। ये अब देखो, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 ओवर x प्लस 2x टाइम्स log x, कुछ नहीं, log x इंटू उसका डेरिवेटिव, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वन बाई यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x द होल ओवर x। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई u टाइम्स, u का मतलब था x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x द होल ओवर x। ये पहला आया है। अब देखो, ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये यहाँ पर चल जाएगा और वो बन जाएगा, देखो, x की पावर समथिंग अपॉन x की पावर समथिंग इज इक्वल टू x की पावर समथिंग माइनस समथिंग। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x, ठीक है। ये पहले टर्म का आया, और दूसरा टर्म का निकाल रहा हूँ मैं। v इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर। तो देखो, log v इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स log x माइनस 3। गाइस प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपने आप करोगे तो आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतने स्मार्ट तो हो नहीं, तुमको भी पता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दे दो बच्चा। log x माइनस 3 इंटू 2x, तो dv, एक समझो कि मीटिंग एंड भी हो गई वैसे, ये लोग ऑनलाइन में क्या करते हैं मुझे समझ में भी नहीं आता यार, क्या हो गया मीट। हाँ नहीं, अच्छी बात है, क्या हो गया, मैं रुकने बोला था तूने, एक सेकेंड, समझ गया ना। हाँ भाई, आई एम वेटिंग फॉर दीज किड्स। वो रितिक को कॉल करके बोलो बेटा ज्वाइन करने के लिए। गाइस एक बार प्लीज रितिक को कॉल करो। गाइस चलो, ओए ओए ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज ध्यान दो मीत। अब ये देखो, तुम्हारा ये आ गया था। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ पहले। 1 बाय वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 द होल ओवर x माइनस 3। तो मेरा डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ रही है बच्चा लोग, बच्चा मैंने LCM लिया है, ठीक है, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स माइनस थ्री, तुम उसको ओपन करना कर सकते हो, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री द होल ओवर एक्स माइनस थ्री। हाँ मैंने क्या किया बच्चा, कुछ नहीं, मैंने पहले यहाँ से यहाँ पे एलसीएम लिया था बच्चा, फिर ये वी को यहाँ भेज रहा था और वी की वैल्यू मैंने पहले डाल दिया ये ना। अब ये और ये को लगाऊंगा प्रॉपर्टी में, अब वी की वैल्यू तो दी हुई थी। अच्छा एक सेकंड, वो स्क्रीन गायब हो गया, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हो जाओ। हाँ अब ये देखो, ये x माइनस थ्री की पावर x स्क्वायर माइनस वन और ये बचा कुछ पूरा ब्रैकेट। अब कुछ नहीं, हाँ वो अपॉन नहीं आएगा, करेक्ट, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री। अब ये वाला जो पूरा dv बाई dx और ये जो du बाई dx, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो तुम्हारा वो आंसर रहने वाला है, ख़त्म। देख पहले ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अपॉन उसने x लिया है क्या पूरा, हाँ ठीक है, तो वो उन लोगों ने ये ऐसे ही रहन दिया है, ये इन लोगों ने ये ऐसा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी उन्होंने ऊपर वाली छोड़ा हुआ है क्या, वो दिया हुआ है ना उसने RHS में प्रूफ दैट करके, डिफरेंशिएट करो तो तुमने जो लिखा है वो बेटर आंसर है, इनका फुद्दू आंसर है, नहीं नहीं उनके फुद्दू आंसर मार्क्स नहीं है, उसका नेक्स्ट स्टेप, हाँ तूने एक, मैं अगर पब्लिकेशन होता तो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया होता, ये यहीं तक है ना। अच्छा वो चीज़ वो ठीक है, तुमको समझाना क्या है, सरदर्द क्वेश्चन था नो डाउट, हाँ बच्चा क्योंकि देखो अब मैं बताऊँ तुमको अलग अलग क्यों किया मैंने, अगर इसको मैं y लेता और log लेके मेरे को प्रॉपर्टी यूज़ करने ही नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया, फिर ऐड किया। भगवान की कसम खा के बोलता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं इसने क्या किया इसके अंदर यार, बिल्कुल यार तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल में है, बिल्कुल आ सकता है। और देखो तुमको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक के कोई प्रॉपर बुक आई नहीं है तुम्हारी इसकी, हाँ वो नहीं पता मुझे, बोर्ड्स की बात नहीं पता मुझे, स्कूल का तो हाँ, अरे वो तो इसके लिए क्योंकि टीचर को चेक करने के लिए आसानी हो जाती हो वो नहीं, पर तुम्हें इसी बता रहा हूँ मैं, सुन तुमको कोई सब्सक्राइब बुक है ही नहीं, ये पहली एक बुक है जिसके आसपास के रहेंगे, तो ये तो छोड़ना ही नहीं, रादर ये करने के बाद में आरडी शर्मा कर लेना अगर तुमको एक्चुअली अच्छे लाने हैं मार्क्स, तो और तुमको लग रहा है कि सर नहीं होता, सट सट हो जाएगा तुमको, अभी तुमको अगर टॉपिक आता है तो फिर तुम लोगों को उसमें मेहनत करने में समय नहीं लगता, फिर वो सिंपल क्या हो जाता है, तुम आंखें बंद करके सिर्फ किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो प्रैक्टिस के नाम पे, हो जाएगा, बट ये करो बेटा। देखिए एक्स इज मोर देन थ्री, वो देख अपना कहीं डिनोमिनेटर में आ रहा होगा कुछ तो भी, अंडर रूट में जा रहा होगा कुछ तो भी, वो ये देख, नहीं तो ये लॉग डिफाइन नहीं हो पाता था, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी तभी हो पाएगी इसलिए, ठीक है बच्चा, वो देखो उसका तेरे को काम नहीं आता है, हाँ अच्छा नहीं, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेवर डिफाइंड, लॉग ऑफ समथिंग रेज टू नेगेटिव तो वो उतर जाता है, ठीक है। नाउ गाइस लास्ट एग्जांपल, कोई मुझे प्लीज डिक्टेट कर सकेगा, अरे वाह, वाई की पावर एक्स ऐसे वाई की ये जो ए की पावर बी। अब सुनो ओए, पहले इसका अलग से तुमको निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, फिर इसका अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसका अलग से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो पहले मैं y की पावर x का डेरिवेटिव निकाल लूँगा, कुछ तो भी आएगा, सॉरी किसने बोला करना है ना, तो इसको अभी के लिए मैं u मान रहा हूँ, ठीक है। सुन लो ओए, क्या बच्चा, तो होगा ना, मैं अब log u इज इक्वल टू x log y, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, एक सौ रुको 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 एक सौ रुको, मेरे को ये वाला नहीं आ रहा है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे वाला क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, थैंक यू।
एक मिनट जाओ, हाँ तुमको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था ना एट द एंड ऑफ डे, हाँ डी वाई ओवर, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आंसर आ रहा है, हाँ प्लस देखो प्लीज ध्यान दो प्लीज ध्यान दो प्लीज ध्यान दो, प्लस लॉग वाई, ठीक है ना। अब ये यू को वहाँ भेज दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स टाइम्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है बच्चा। ये इसको पूरे के पूरे मैं लॉग लेता तो मैं प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर पाता था, इसमें अलग 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 डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना। सुनो तुम अगर लॉग लेते तो वो ये कुछ बनता था, अब आगे क्या करते बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन में अगर हो तो वो प्रॉपर्टी लगती थी ना, लॉग ए इंटू बी वॉज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी वॉज नथिंग, ठीक है। ध्यान दो पापी हो, ये डी यू बाई डी एक्स आया है, अब इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ आला सारा मुझे, अब मैं वी इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, तो लॉग वी इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, तो वन बाई वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी टाइम्स वी की जगह वी की वैल्यू डाल दे रहा हूँ मैं एक्स की पावर वाई टाइम्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब मैं एक्स की पावर एक्स को कुछ तो भी यू वी डब्ल्यू मान रहा हूँ प्लीज, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, चलो ये थोड़ा इंसानों वाला आने वाला है, तो वन बाई डब्ल्यू डी वाई ओ डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर एक्स टाइम्स वन प्लस लॉग एक्स। अब सुनो अब ध्यान दो, क्या मैं अब यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा के देखो मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर बी। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स का मतलब था डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों की वाई की पावर एक्स इंटू जो भी हो, हाँ y की पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर y की वैल्यू आ रही आपकी x की पावर y y अपॉन x प्लस लॉग x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x की पावर x इंटू वन प्लस लॉग x, और ए की पावर बी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट था। अब मैंने कांस्टेंट था ना, अच्छा अब बच्चा लोग मैंने इसको ओपन किया तो अभी तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ एक बार के लिए क्या कर रहा है यार कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, इट माइट बी 100 की पावर 200 एट द एंड इट विल बी अ वेरी बिग नंबर आई नो बट इट विल बी अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब देखो इसका ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो बन गया कुछ x y की पावर x अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स, आई नो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी पर मैं लगा नहीं रहा हूँ अभी, तो अभी खोल के डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली है ना अपने को हाँ वही तो, अब y की पावर x log y प्लस x की पावर y इंटू वाई ओवर x प्लस x की पावर y log x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x इज इक्वल टू जीरो। अब dy वाई ओवर डी एक्स मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो x y की पावर x अपॉन y प्लस x की पावर y y नहीं सही कहाँ से आ गया भाई, तो x की पावर y log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की नहीं y की पावर x log y प्लस x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, मैंने माइनस बार को निकाल दिया, अच्छा एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स
माइनस यहाँ रखा है ना। तो देखो ये ऐसा हो गया, ये एलसीएम तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब देखो मेरे को क्योंकि यहाँ पे ना वो डिनोमिनेटर लेके नहीं आना था, राजा तुम चाहो ना तो ये यहाँ पे भी मत लेके आओ यार। एक काम करो, ये की पावर माइनस वन कर दो, यहाँ पे भी इसकी पावर माइनस वन कर दो। सुनो, ए बी स्क्वायर अपॉन बी क्या बी ट्वेंटी और बी स्क्वायर रहा, तो ये इसकी वैल्यू ए बी की पावर 18 तुम लिख सकते हो। क्या काटा ही नहीं, रुको, गलती हो गई, रुको रुको रुको, गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ देखो, अब देखो 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 ये देखो देखो, ये था यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया बेटा मैंने, तो x y की पावर x माइनस वन प्लस x की पावर y log x माइनस ये वैसे ही रहेगा y की पावर x log y प्लस x की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस x की पावर x प्लस जो भी लिखा हुआ है, और इसको नीचे आना पड़ेगा बेटा। y की पावर x अपॉन y की पावर वन है, तो y की पावर x माइनस वन होगा। अच्छा अब गाइस सुनिए, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड वियर्ड आंसर्स है, हाँ हाँ, बस उसने ये अपन एक्स और एक्स प्लस एक्स और एक्स लॉग एक्स वगैरह लिखा हुआ है। अब गाइस प्लीज सुनिए, ठीक है, तुम्हारा मंडे को बीएसटी का पेपर होगा, बधाई हो, कल परसों क्लास नहीं है, नहीं सुनो सुनो, तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों करना है करो, नहीं करना है मत करो, प्रॉब्लम आएगा 35 मार्क पे वो तुम्हारे पर। इससे बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर में तुम लोगों को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन शुरू करने वाला हूँ मंडे को, और वो इजी है, ठीक है ना, वो बहुत इजी है। अरे यार तू बस सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना 11 तक के, कितना टाइम लगने लगा, मेरे को करने को 1 घंटा लगा, तेरे को करने को 2 घंटे लगेंगे। गाइस शांत ओए, और सुनो बेटा प्लीज, तुमको अगर जेन्युइनली कुछ अचीव करना है लाइफ में, अगर हाँ, तो ये आगे के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। अब बीएससी का पेपर कितने से कितने जगह है तुम्हारा मंडे का? हाँ 10:30 है ना, उसके बाद क्या बीएससी का पेपर के लिए पढ़ने वाले हो क्या? बहुत टाइम उसके बाद में, और तुम नहीं पढ़ते हो स्कूल में, तुमको पता, मुझको पता, टीचर को पता, घर वालों को पता, तो होमवर्क कर लेना। चलो बाय गाइस।